हैं, औकात से बाहर, बिल्कुल औकात से बाहर। आराम की कोई भी चीज फिट होती भले नीचे टी शर्ट जावे, आराम की है ना। फोन बहुत टूटा हुआ, मैंने कहा मैं फोन यूं छोड़ देता हूँ। In the mood for a switcher, I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember. बॉयज, तो आज रात का बजा है 10, तो अभी मैं निकला हूँ जस्ट राइड के लिए। और एक प्लान बेसिकली बना हुआ था, मैं बोल रहा था कि आपसे एक ट्रिप का प्लान चल रहा है, तो आज वो ट्रिप का प्लान ऑन हो चुका है। तो अभी 10 बजा है एक्चुअल, 10:20, और अभी मैं जस्ट घर से निकला हूँ। यहाँ से मैं जाना है हमको लखनऊ, वहाँ से विनीत भाई लोगों को पिक करेंगे। तो 5 जन हम लोग बेसिकली, 4 या 5 जन या 6 जन जो भी जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल अभी काशी विश्वनाथ जो है उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं काशी। तो देखते हैं, जर्नी अच्छी हो, और अगर टाइम मिल जाएगा तो हम लोग मिर्जापुर के जितने भी वाटरफॉल है वो भी कवर करेंगे एक ब्लॉग में। तो आई होप आपको वीडियो एंड ब्लॉग हमारे लास्ट सीरीज अच्छी लग रही हो। मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इसलिए व्यूज थोड़े से डाउन जा रहे हैं, बिकॉज डेली ब्लॉग अभी इतनी ऑडियंस नहीं है जो देखना मेरे को पसंद करे बेसिकली। तो अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ, अभी निकला हुआ हूँ, देखता हूँ 1 घंटे में मैं लखनऊ रीच कर लूंगा, एंड उसके बाद आगे का प्लान, एंड सारे लोगों से मन बाय मन मिला के आपको बताते हैं कि आगे का प्लान हम लोग कैसे करने वाले हैं। करो एक आधी लाइन मारो, BMW शोरूम पे नहीं है वो, डरी जाए। औकात से बाहर टी शर्ट पहने, औकात से बाहर, बिल्कुल औकात से बाहर। मूवमेंट पहने वाला BMW पहले इनका, देखो देखो देखो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या खरीदे हो? 2 टी शर्ट BMW के, 2 टी शर्ट। आराम की कोई भी चीज फिट होती भले भले जितने नीचे टी शर्ट जाओ, आराम की है ना, आराम की है भाई। हमारा भी फिट हो जाओ, ले जाओ वहाँ से, इनका भी प्लान बन रहा है, अभी इनको भी लेते हैं। सामान बेच रहे हो क्या भाई साहब? सामान बेच रहे हो क्या? नहीं अबे, सामान सेल पे मंगा, सस्ता में। टोरा टाइट सिस्टम LVC, मेहनत करके निकल रहे हैं यहाँ से, ये सारे जन कुछ नहीं मिलने वाला है खाने के लिए। 12 बनकी नहीं, रायबरेली सर। बताओ बताओ, लड़की ने क्या कहा तुमसे, बताओ बे। भाई ऐसे देखो, कोई भी होता है जैसे तुम हो मेरे दोस्त, ठीक, हम तुम्हें जानते हैं, और तुम्हारे बगल में कोई लौंडा खड़ा हो मेरे से कितनी मिचौली करने में सह लूंगा। लौंडिया खड़ी भाई, हम जाते हैं कहीं भी भाई, थोड़ी फोन में जान किसी मैसेज ना आए, तब भी लगे हुए हैं, तब भी चल रहा है। फोन बहुत टूटा हुआ, मैंने कहा मैं फोन यूं छोड़ देता हूँ। गुड, ये फाइनली वी आर इन दिस इलाहाबाद। इलाहाबाद संगम से हम लोग गंगा जल उठाएंगे और उसके बाद चढ़ाएंगे चल के कहाँ, बनारस काशी विश्वनाथ। संगम में जल लेने का ये फायदा कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन से? सरस्वती, यमुना और गंगा। यमुना सरस्वती। तो गाइस ये देखिए, भूतिया हवेली में हम लोग, अरे बापरे भाई, बापरे फट रही है अंकित। लेकिन ये बताएं, ये भूतिया नहीं है, ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। ऐसे हैं कुछ हॉस्टल यहाँ के, देखिए हमारे एक मित्र रहते हैं यहाँ पे, भाई का हॉस्टल है ये। छोटे उस्ताद क्या हाल है तुम्हारे? ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के इलाके में देख रहे हैं हॉस्टल आप। खुजली वाला जानवर, अरे बाप रे, ये सब क्या है? डू नॉट टच एनीथिंग, बाप रे, ये हॉस्टल है यहाँ का भूतिया। देख रहे हो डर, देखो डर, हाँ पता नहीं क्या क्या है ये भूतिया हवेली में, उसी में मर्डर हुआ था, बाप रे। चलो भाई, जैसे भाई के जिगरे को सलाम, पता नहीं यहाँ से वहाँ तक आई कैसे, हम लोग हम लोगों ने दाँत देनी पड़ेगी, दाँत देनी पड़ेगी, यहाँ जंगल से निकलते हुए। बाप रे भाई, हवेली देख रहे हो, मतलब खतरनाक। ये देखो पीछे वाली डिग्गी में
इनको पैक किया गया है। हम बैठे हैं खुद, पैक किया गया है। एक जन और हमारे साथ यहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं, तो चलते हैं। गाड़ी हाउसफुल हो गई है धीरे धीरे। अच्छा, लेटे हुए हनुमान जी का। चलिए हम लोग फिलहाल ये संगम पे आ गए, संगम पॉइंट पे। तो यहाँ से हम लोग जल लेंगे पहले और आगे की चीजें। राइट मोड़ इधर। अच्छा, विन्नी का सही है। तो विन्नी भाई हमारे लिए जल लेने आए हैं, अंदर गए हैं मतलब भरने के लिए। बॉटल हम लोगों ने परचेज करी है वहाँ से। ये देखिए गंगल जल कैरी कर लिया गया इसमें, और एक बोतल और है ये वाली। विनीत भाई अपने क्या, अच्छा चप्पल पहने हो? लग ही नहीं रहा चप्पल पहने। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? बनारस। बनारस के लिए दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। संगम जस्ट इसके सामने यहाँ पे इलाहाबाद का फोर्ट पड़ता है, रेड फोर्ट या पता नहीं व्हाटएवर कि जहाँ बोलो भी बोलते हैं। और इंडियन फ्लैग खूबसूरत, ये अपनी ब्लैक पैंथर, ये विन्नी भाई अपने, और ये संगम। तो फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अस्सी घाट। और ये देखिए बनारस में हम लोग आ चुके हैं। अभी जस्ट सुबह सुबह का मॉर्निंग हुई है और सीन काफ़ी अच्छा है। तो अभी दिखाते हैं आपको बैक का सीन। गंगा में भी पानी वानी जो है एकदम नेक्स्ट लेवल चल रहा है, बहुत खतरनाक। और इधर हो रहा है, इधर पे कुछ कीर्तन वीर्तन हो रहा है, इस साइड आरती वारती होती है शाम को। शाम को आरती यहीं पर होती है क्या? और एक जो फेमस आरती वो कहाँ पर होती है? हर घाट पे अपनी अपनी होती है ना, मणिकर्णिका घाट पे। अच्छा उधर। हाँ, बोटिंग भी कर सकते हैं ना। महानुभाव हमारे साथ आए थे, जो कि अपना अंडरवियर और कपड़ा वपड़ा लेके नहीं आए हैं। तो वहाँ से परचेजिंग चल रही है और परचेजिंग बताते हैं आपको। नियर बाई अस्सी घाट, तो देखते हैं कि क्या किसको पसंद आता है। लेट्स सी। ये देखिए सब सिकंदर लोग नहाने आ गए हैं, सब बनियाइन चड्डी वड्डी सबको बांटेंगे, सब बांटेंगे। दस का दो। ये सब महाकाल वाले कुर्ते सबने परचेज करे, जैसे कि हम लोग दुकान पे थे और 150 पर पीस जो है वो परचेजिंग करी गई है। फिलहाल अभी नहाने के लिए हम लोग अस्सी घाट के किनारे देखने को अच्छी जगह मिल जाए तो नहावा लेते हैं। एंड उसके बाद तैयार होने के बाद चलते हैं मंदिर की तरफ, तो दर्शन वर्शन करेंगे। फिलहाल जगह देख लेते हैं अच्छी सी नहाने के लिए। देखिए वहाँ पे विनीत एकदम फुल टू चिल आउट कर रहा है, और इधर ये भी तैयार हो गया रेडी जाने के लिए, ये भी रेडी है और अपन भी रेडी है जाने के लिए। तो नहावा लेते हैं एंड उसके बाद व्लॉग शूट करेंगे। वो देखो स्विमिंग भी करने चालू कर दिया। देखिए रामेंद्र और बाकी सब लोग नहा रहे हैं, अंकित भाई भी अभी नहा के एकदम पूजा उजा करके, और इधर ये भी रेडी हो चुके हैं और वो भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो अभी आगे का प्लान देखते हैं कि कहाँ बनता है, तो वहाँ चलेंगे। तो ये भैया जो है हमको मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या चीज़? पिंकू पांडे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए यहाँ पे खाने के लिए क्या अच्छा मिलेगा और कहाँ पे? खाएंगे क्या आप? जो यहाँ का हो ना एकदम फेमस वाला, वो क्या अच्छा मिलेगा? कचौड़ी है, ब्रेड पकौड़ी और कचौड़ी। ठीक है, तो कहाँ पे ट्राई किया जाए? चाची का कचौड़ी। चलो फिलहाल अभी इनको हायर किया है। यहाँ से कितना? 3 किलोमीटर मंदिर है, 80 घाट से 3.3 अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से, पता नहीं गूगल के हिसाब से, लगे गूगल के हिसाब से। हाँ तो 3.3 गूगल के हिसाब से आप भी हमसे बात कर रहे हैं। तो चल के देखते हैं कितना लंबा लाइन है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सावन चल रहा है अभी, तो लाइन तो होने ही वाला है। देखते हैं अभी एक दो घंटा जो भी लगेगा दर्शन वर्शन करने में। क्या लगते हैं ये जो प्रयाग से गंगा जल भरा गया था, तो हम लोग इसको चढ़ाने के लिए लाए हैं, तो संगम से सेंटर में हो तुम भी आगे का मजा उठाओगे, लुप्त लोग हैं गाइस। तो ये बैरिकेटिंग है, इसके आगे रिक्शा वगैरह नहीं आते हैं, पता नहीं आते हैं और नहीं भी आते हैं, बिकॉज इधर से आ रहे हैं जा नहीं रहे हैं। तो शायद यहाँ से दूसरा करना पड़ेगा। फिलहाल से यहाँ से मंदिर की जो डेस्टिनेशन है वो 1 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोग चलते हैं, कवर करते हैं प्रसाद उसाद लेने के पास, चलते हैं दर्शन वर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। गाइस देखिए बहुत देर से भूख लग गई थी, तो ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं। देखो सब लोग खड़े होकर खा रहे हैं और हम ये सब जमीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये लस्सी पी रहे हैं भाई साहब, लेकिन इसका ये चीज़ अलग है ना, कुछ इसकी स्पेशल है ये चीज़, कुरकुरी लग रही है। हाँ, जमीन में बैठ के खाने का भी अलग है। तो ये है यहाँ की फेमस बनारसी लस्सी, और ऊपर से ये जो है ये डाला जाता है इसमें, क्या खोया और ऊपर मलाई भी है और नीचे ऑलराइट। इसमें है प्रसाद, इसमें गंगा जल, इसमें भी है प्रसाद। तो दर्शन वर्शन कर लिए, विन्नी भाई हमारे साथ हैं, बाकी ग्रुप जो है वो गायब हो चुका है, बिकॉज जो फ़ोन
और लॉकर में सारे फोन रखे हुए थे, अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि शायद वो मिल जाए कहीं ना कहीं, अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। हम लोगों की हालत खराब होगी, हालत खराब होगी, इनका देख लो पसीना चेक करो गाइस, ये लोग मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहां। फिलहाल ढूंढ लेंगे, दैट्स फाइन। ये कुंभ का मेला नहीं है, ये कुंभ का मेला नहीं, लेकिन सामान में भीड़ बहुत अच्छी खासी है। देखो हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे आ गए थे, तो दर्शन दर्शन जो है टाइम से हो गए, वरना तो एकदम लग जाने वाली थी। अभी तो भीड़ जो है ना, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ना भाई, जहाँ से मतलब खत्म लेवल है भाई, देखो लाइन वहाँ से चलती चली आ रही है, पता नहीं कहाँ तक है। यहाँ से हम लोग लगे थे, लेकिन इसके भी आगे पहुँच गई अभी तो लाइन। तो देखिए लाइव कवरेज चल रही है इधर भी, और एक यहाँ पे भी मीडिया वाले हैं, और ये देखिए यहाँ पे भूले भज के लोग मिल गए हैं, और हमको आइडिया था किसी दुकान पे मिलेंगे। अगर लौंडा है ये, आप उल्टी सीधी आवाजें निकालता है, सबको कंफ्यूज करता रहता है, पता नहीं क्या, देखिए क्या मंदिर से उठा लाया, देख रहे, देख लीजिए, पता नहीं पानी सानी वाला, और इसके साथ ये सिस्टम वाला छिना रहा है 1008 बार, और ये देखिए इधर देखिए आप, ये सुबह से सिर्फ खा रहे हैं, सुबह से देख स्माइल, देखिए स्माइलिंग कोबरा है ये, तो आपने तो वो मूवी देखी होगी स्माइलिंग कोबरा, और ये भाई ये मेरा सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छा देख रहे हो, अब बर्थडे बाद आज फोन ही पीछे समर का पूरा मजा लिया जा रहा है। अरे इधर उधर कैमरा, कैमरा मैन फोकस करे, जल्दी फोकस करे। तो पार्किंग में बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है, तो पता नहीं ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पार्किंग करी गई है गाड़ी की, अपनी गाड़ी इस साइड पार्क है, तो अभी चल रहे होटल की तरफ। नाचो नाचो, तो देखिए होटल से बाहर का व्यू, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, और ये चौथे माले पे अपना जो है होटल है, अपना रूम, और यहाँ पे शीशे की फैसिलिटीज़ है, इसी को मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से। तो अभी रूम आ गए, तो शाम की आरती वारती में हम लोग जाएंगे फिलहाल, और अभी यही सीन है, तो देखते हैं कब तक फ्री हो जाते हैं, लेट्स सी कि आगे का प्लान व्लान क्या होता है। बाल बाल सब उलझ गए, और ये टी शर्ट कैसी लग रही है कमेंट में बताएं आपको, और ये वाला जो ब्लॉग है आज के दिन शाम के टाइम ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी हम लोग के, और वेदर तो मस्त है, जैसे ही आपने रचित भाई ने बोला है, ये देखिए बारिश चल रही है इधर, और इनको कमेंट बॉक्स में सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, विश कर दीजिए एक बार जरा इनको। देखिए हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और जो शाम की आरती होती है ना उसकी वजह से निकले हुए हैं बारिश में भीगते हुए। फिलहाल अभी अपने होटल से जस्ट निकले हैं, बहुत बिजी किया है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अस्सी घाट पहुँच के आपको बात करते हैं वहाँ पर, हल्की अच्छा लग रहा है। तो भाई सब लोग अस्सी घाट जा रहे हैं, तो पता नहीं, आई डोंट नो अभी आरती वारती हो पाएगी कि नहीं, फिलहाल ये बंदे ने हम लोग मतलब सो रहे थे बेड पे लेटे हुए थे, लेकिन इस बंदे ने हमको जगाया और ऐसा इस हालत में पहुंचाया, समझे ना, अभी मतलब घर से मैं प्रेस प्रेस करके नई साइड निकाल के प्रेस करके, समझ रहे हो, ठीक है, स्टीम आयरन करके, और हालत ये है ऊपर से नीचे तक, ये ठीक है, देखते हैं लेट्स सी होती है कि नहीं आरती आज। ये गाइस 80 घाट का नज़ारा, यहाँ सुबह यहाँ पे जो है आरती वारती हो रही थी, और उस साइड वहाँ पे होती है आरती शाम के टाइम, देखिए भीड़ भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ पे जमा हो रखी है, और सब जगह उस साइड भी सारे लोग भरे हुए हैं, इस साइड भी भरे हुए हैं, तो आज तो लग रहा है प्लान कैंसिल होने वाला, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और हम लोग भी पूरा टोटली गीले हैं, तो लेट्स सी अगर होता है तो आपको देखने को मिलेगा। त्रिपुरारे शिरः।